वीडियो को शुरू होने से पहले बताना चाहूंगा, आज आपका छोटा भाई आप सभी के लिए लेके आया 1200 UC का गिव वे। तो गिव वे में कैसे पार्टिसिपेट करना है उसकी जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप एक पबजी के प्लेयर हैं और अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं और कम्पिटिटिव कस्टम्स को खेलना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। मैं आज आपको बताऊंगा आप कैसे अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं और कम्पिटिटिव कस्टम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप कस्टम मैचेस खेलते हैं तो आपको तो पता ही होगा ये कितना हार्ड होता है सिंपल मैचेस से, बिकॉज इसमें एंड जोन में मिनिमम 10 टीमें तो सर्वाइव करती हैं, बट सिंपल क्लासिक में मैच में दो या टीम टीमें ही सर्वाइव करती हैं। तो ये बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन होती है। अगर हम कंपेयर करें सिंपल वर्सेस कस्टम, तो कस्टम हमेशा हाई रहेगा, बहुत हाई लेवल का रहता है कस्टम हमारा। अगर आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है तो उसकी प्रोसेस मैं बता देता हूँ आपको। जिस कॉम्पिटिटिव कस्टम की मैं बात करने जा रहा हूँ उसमें आपको स्लॉट तो ईजिली मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई अचीवमेंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप डेली ईजिली अपना रजिस्ट्रेशन करा के अपने स्क्वाड के साथ गेम खेल सकते हैं। कोई भी आपके लिए अचीवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी इसमें। अच्छी बात तो इसमें यह है एक कि आपको T2 में भी प्रमोट करा जाएगा, मतलब अगर आप T3 खेलते हो, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो आपको T2 में भी प्रमोट इजीली कर दिया जाएगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, व्हाट्सएप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करना है सिंपल। जैसे ही आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हुई लिंक पर क्लिक करेंगे जो व्हाट्सएप ग्रुप की है, आपको देखने को मिलेगा ओनली एडमिन्स कैन सेंड मैसेजेस। तो आपको कुछ नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है, आपको इस पर क्लिक करना है, एडमिन को मैसेज करना है। यहाँ पर कोई भी एडमिन हो, XYZ, यहाँ पर देखो दो एडमिन है, मैं सबसे पहले वाले एडमिन को मैसेज करता हूँ, हाय आई वांट टू पार्टिसिपेट इन कस्टम। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैंने इनको मैसेज करा आई वांट टू पार्टिसिपेट इन कस्टम रूम, तो इन्होंने मेरे लिए एक फॉर्मेट बना के भेज दिया है। इस फॉर्मेट को मुझे फिल करके इनको वापस देना है, तो मैं इनको फॉर्मेट को फिल करने के बाद जल्दी से इनको वापस सेंड कर देता हूँ। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं इनने मेरे लिए एक फॉर्म दिया था फिल करने के लिए, वो मैंने फिल करके इनको भेज दिया वापस, और फिर इन्होंने मेरे लिए एक ग्रुप की लिंक भेजी है, उसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ जल्दी से। जैसे ही मैं इस ग्रुप में ऐड हुआ तो मैंने देखा कि यहाँ पे भी ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेजेस लिखा हुआ है, तो मैंने इसकी ग्रुप की डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करा। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे दो मैचेस होते हैं, एक मैच होता है 3 बजे और एक मैच होता है 3:55 पर। तो उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारी 12 बजे स्टार्ट हो जाती है। हमें 12 बजे इस ग्रुप में आकर केवल अपनी टीम का नेम लिख के रजिस्ट्रेशन करा लेना है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको आपका स्लॉट दे दिया जाएगा, उस स्लॉट में आपको बैठना है। और मज़े की बात यह है इसमें कोई एंट्री फीस नहीं है, आप इजीली एक स्लॉट तो ले ही सकते हैं अपने लिए डेली, और अपने फ्रेंड्स के लिए भी बोल सकते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि इसमें कोई एंट्री फीस नहीं है। ऊपर से इसमें आए दिन कस्टम में गिव वे और रहते हैं, कभी UC का गिव वे है, कभी रॉयल पास का गिव वे, कभी टूर्नामेंट से, बहुत कुछ है भाई इस पे। तो आपको एक बार अगर पबजी प्लेयर है तो ट्राई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर ये ट्राई नहीं करा तो भाई मतलब मालूम भी नहीं पड़ेगा कि कस्टम में क्या मज़ा आता है। भाई अगर आप एक पबजी प्लेयर हैं और आप अपनी स्किल्स को 100% डेवलप कराना चाहते हैं, आपके अंदर है कि आपको इस ई स्पोर्ट में आगे जाना है, आपको पबजी में करियर थोड़ा बहुत बनाना है, तो भाई एक बार ज़रूर ट्राई करें Tier 3 के कस्टम, और इसमें आए दिन तो भाई प्रमोशन भी होते हैं। आई होप मैंने आज आपके लिए प्रॉपर जानकारी दी आप कैसे T3 और T2 कम्पिटिटिव कस्टम्स खेल सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या मेरे लिए प्रॉपर व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप का नंबर अपना डाल दूंगा मैं। और बात करते हैं अब गिव वे की, कैसे आप गिव वे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखो आज हमारा गिव वे है 1200 UC का, आगे जाके और 2400 UC का करूँगा मैं, लेकिन बस मुझे सपोर्ट जैसे आप लोग अभी कर रहे हो वैसे ही करोगे, इस बात का भाई प्रॉमिस चाहिए। और हाँ मैं बताना चाहूँगा आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं गिव वे में। तो देखो सिंपल, एक गिव वे रहेगा हमारा प्राइम प्लस का और दो गिव वे रहेंगे हमारे सिर्फ प्राइम के। तो प्राइम प्लस का गिव वे में कैसे पार्टिसिपेट करना है, उसके लिए आपको मेरी वीडियो को शेयर करनी है जितने ग्रुप में हो सकती है उतने ग्रुप में, और आपको मुझे वीडियो बना के देनी है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कि आपने कितने ग्रुप में शेयर करी है। जो सबसे ज़्यादा शेयर करेगा मेरी वीडियो को मैं उससे प्रॉमिस करता हूँ मैं उसको ये वाला गिव वे दूंगा प्राइम प्लस का। लेकिन मेरे पास एक ही प्राइम प्लस का है क्योंकि बजट ज़्यादा नहीं है तुम्हारे भाई का, समझो यार, तो आई होप समझ जाओगे। और दो प्राइम के गिव वे मैं ऐसे दूंगा जिन्होंने आज तक रॉयल पास नहीं खरीदा। तो भाई जो कमेंट सेक्शन में कमेंट रैंडम कमेंट पिकर से उठाऊंगा मैं, फेयर गिव वे होगा, दोनों गिव वे फेयर रहने वाले हैं, कोई पार्शियलिटी नहीं चलेगी कि भाई मैं अपने टीममेट्स को ही निकाल के दे दूँ। तो एक प्राइम प्लस का, दो प्राइम का।
तो भाई दोनों का प्रोसेस मैंने समझा दिया है, आई होप समझ गए होंगे। तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखें कि आपको रॉयल पास का गिव वे चाहिए, क्यों चाहिए, और आपने आज तक कुछ नहीं खरीदा। दो गिव वे हैं जो प्राइम के हैं, वो केवल उन्हीं को दिए जाएंगे जिन्होंने आज तक रॉयल पास नहीं खरीदा, और प्राइम प्लस का कोई भी ले सकता। और साथ ही साथ आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि जब भी कोई नई नोटिफिकेशन आए आपको मालूम पड़ जाए। जब गिवे का रिजल्ट आएगा तो आपको 24 आवर्स के अंदर मेरे लिए अपना पेटीएम नंबर, व्हाट्सएप नंबर, सब कुछ मैसेज कर देना है ताकि मैं आपको पेमेंट दे पाऊँ। अगर आप 24 घंटे के अंदर नहीं करेंगे तो ये गिवे किसी और को दे दिया जाएगा। तो मैं बता दूँ, मैं सिर्फ उनको अमाउंट पे करूँगा, कोई पेटीएम के थ्रू, फ़ोनपे के थ्रू, गूगल पे के थ्रू, जो भी मोड ऑफ पेमेंट रहेगा उनका, उनके थ्रू मैं पे करना चाहूँगा। और प्राइम प्लस के लिए भी सेम प्रोसेस है पेमेंट की, मैं आपको परचेस करके नहीं दूंगा, आप खुद कर लेना। बिकॉज यार मैं समझता हूँ कि हर किसी को पैसे की ज़रूरत है, किसी को रॉयल पास की ज़रूरत है, तो भाई जो आपका मन करे उन पैसों से वो करना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप, मैं नहीं बोलूँगा कि आप रॉयल पास ही खरीदें। और जो नेक्स्ट गिवअवे आने वाला है इस चैनल पर, वो बहुत ही सरप्राइज भरा होने वाला है आप सभी के लिए, बहुत बड़ा सरप्राइज है आप सबके लिए। तो प्लीज़ उसके लिए तो आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा अपने भाई को। दोस्तों एक बार T3 और T2 के कस्टम आप लोग एक बार जरूर ट्राई करें, क्योंकि आप अगर इसमें अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो आप आगे भी जा सकते हैं, मतलब बहुत आगे जा सकते हैं। इसमें से आपको T2 भी मिल सकता है, T1 भी मिल सकता है, बहुत कुछ मिल सकता है। और गिवअवे का रिजल्ट कब आने वाला है वो आपको कमेंट बॉक्स में मालूम पड़ जाएगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं अब नई वीडियो में।